इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड डीजीपी के आदेश अनुसार उत्तराखंड की जो दो बड़ी भर्तियां थी उनमें जो है जांच चालू होने वाली है। और फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है वो आ रही है उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा गार्ड की भर्ती को लेकर। चलिए पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है कि सचिवालय रक्षक परीक्षा जो सितंबर 2021 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई थी उसमें जांच गड़बड़ी मिलने पर एसटीएफ द्वारा थाना रायपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी विवेचना तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय द्वारा एसटीएफ को सुपुर्द कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं जैसे ही हाकम सिंह रावत अरेस्ट हुए थे उसी समय ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी कि सचिवालय सुरक्षा गार्ड की भर्ती में भी जो है धांधली हुई है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद उसमें 35 से लेकर 36 पद थे, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कम पदों में किस तरह से धांधली की जा सकती है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पुलिस ने जो है विभिन्न धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। कौन सी भर्ती? सचिवालय रक्षक की। बाकी एसटीएफ को जो है इसकी विवेचना के लिए सारी डिटेल भेज दी गई है। अब देखना बाकी है कि एसटीएफ जो है बीडीओ बीपीडीओ के साथ क्या जो है सचिवालय रक्षक की भर्ती में भी इतनी तत्परता दिखाती है। अब तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही खबर है आपके लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।